नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दिल की बात। मधु और विकी दोनों भी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही बिल्डिंग में रहते थे, बचपन से एक साथ खेले थे, बड़े हो गए थे, अच्छे दोस्त भी थे। दोनों के परिवार के भी बहुत अच्छे रिलेशन थे। कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था, मधु के लिए रिश्ते आने लग जाते हैं। उसके घर वाले चाहते हैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर रिश्ता फिक्स हो जाए और मधु की अच्छे घराने में शादी करा दे। मधु को भी कोई एतराज नहीं था, वो अपने दोस्तों को ये बात बताती है, इवनिंग को लड़का देखने आने वाला है जिसका नाम पुनीत मल्होत्रा है, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है। मधु विकी से कहती है, देखो यार, तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, वो लड़का कैसा है क्या है देख लेना यार, मेरी जिंदगी का सवाल है। विकी कहता है, ये भी कोई कहने की बात है, ओके बाय, तुम ना इवनिंग की तैयारी में लग जाओ और हम लोग देखते हैं लड़का कैसा है क्या है, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, हम सब है ना, बस तुम ना अच्छे से तैयार हो जाओ और वो रेड कलर का ड्रेस ही तुम पहन लेना, रेड कलर का सूट पहन लेना या फिर साड़ी, तुम पर बहुत अच्छा लगता है रेड कलर, तुम्हें देखकर वो लड़का जरूर पागल हो जाएगा और मैचिंग झुमके वो तुम पर बहुत सूट करते हैं, वही पहन लेना, बहुत मस्त लगती हो तुम, एकदम परी जैसी। और दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने अपने घर चले जाते हैं। इवनिंग को वो लड़का देखने आ जाता है, दिखने में सावला स्मार्ट पर एटीट्यूड से भरा पड़ा, हर बात में एटीट्यूड नजर आता है। मधु रेड कलर की साड़ी पहने बेहद हसीन लग रही थी। कुछ ही देर में विकी अपने एक दोस्त के साथ वहां आ जाता है। मधु के घर में उसका तो बचपन से आना जाना था, हमेशा से, उसे कुछ गलत लगता नहीं। मधु के मम्मी पापा उसकी पहचान उस लड़के से कराते हैं, पड़ोसी का बेटा है और बहुत समझदार है, सबकी हेल्प करता है, मधु का दोस्त भी है। पुनीत हाय हेलो कहता है, मधु से थोड़ी बात भी करता है, फिर अचानक से कहता है, मुझे नेक्स्ट मंथ ही शादी करनी है, मैं शादी करके बिजनेस के सिलसिले में यूरोप जाने वाला हूँ, मधु को भी साथ लेकर जाने वाला हूँ, ओके, आपको कोई एतराज तो नहीं? सब हैरान हो जाते हैं और इतनी जल्दी सब कुछ तय हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था, सब सोच में पड़ जाते हैं। फिर मधु के पापा कहते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन प्लीज हमें थोड़ा वक्त दीजिए, तैयारी करने में समय लग सकता है, हम एक दो दिन में कॉल करके आपको फिक्स बताते हैं। पुनीत मल्होत्रा कुछ ज्यादा बात नहीं करता, ओके कहकर वही अपने एटीट्यूड के साथ कार में बैठकर चला भी जाता है। सभी सोच में पड़ जाते हैं, इतनी जल्दी शादी कैसे अरेंज हो सकती है? तब विकी कहता है, डोंट वरी अंकल, हम सब दोस्त है ना, सब अरेंज हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, क्या करना है कैसे करना है। और विकी बाय कहकर विकी अपने घर चला आता है। रात को सोते वक्त मधु के साथ बिताया हुआ बचपन उसके आंखों के सामने आ जाता है, वो झगड़ा, वो दोस्ती, वो रूठना मनाना सब कुछ, वो खेलना कूदना,
एक साथ ही उनका बचपन गुजरा था और अब बड़े हो गए थे। अब मधु कुछ दिन की मेहमान है, शादी करके वो तो विदेश चले जाएगी। एक बेचैनी, एक उदासी, एक खालीपन विकी के दिल में जाग जाता है। मधु का रिश्ता तय होने की खुशी पता नहीं अब कहां गुम हो गई। दिल में दर्द उभर आता है, जैसे कोई जिस्म से रूह जुदा हो रही है, कुछ छीन रहा है कोई उससे जो उसे बेहद पसंद है। मधु की हालत कुछ ऐसी ही थी, वो भी यही सोच रही थी इन सब को छोड़कर जाना है, मम्मी पापा को भी, अपने दोस्तों को जिनके साथ बचपन गुजारा, बड़े हो गए, और ये विकी जिसने बचपन से अब तक मेरा साथ दिया, एक ढाल बनकर हमेशा मेरे साथ रहा, स्कूल से लेकर कॉलेज तक किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं थी, एक साया बनकर मेरा साथ दिया उसने। इसके पहले विकी के बिना जिंदगी कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा वक्त भी आएगा जब मुझे इन सब को छोड़कर जाना पड़ेगा। विकी को भी, जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसकी फैमिली मेरी फैमिली, हर त्योहार में एक साथ रहे, सुख दुख में एक साथ रहे, वो रईस दादा मल्होत्रा, पुनीत एक अजनबी, उसके साथ में पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ, जो ठीक से बात भी नहीं करता, कितना रूढ़ इंसान है वो, जो दिल खोल के स्माइल भी नहीं कर सकता। और ये विकी है, कितना प्यारा है, मौज मस्ती करता है, मेरा मूड कितना भी खराब क्यों ना हो, ये मुझे पल में हंसा देता है। ये हैंडसम भी तो है, ओ ये ब्लू और ब्लैक टी शर्ट में कितना मस्त लगता है, ये तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं। उसकी आंखें, उसकी जुल्फे, उसका स्टाइल कितना प्यारा है, मैंने इतने दिन में कभी ऐसे देखा ही नहीं उसे। एक अजीब सी हलचल मच जाती है, उससे रहा नहीं जाता, वो विकी को कॉल करती है। विकी भी शायद उसी का इंतजार कर रहा था और दोनों एक साथ ही कहते हैं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बचपन से वो सभी दोस्त टेरेस पर खेलते थे, कैरम वगैरह खेलते थे, आज दोनों वहीं पर आ जाते हैं जिंदगी का फैसला लेने के लिए, आज वो दोनों वहीं पर आ जाते हैं। पर आज की बात कुछ और ही है, आज दोनों की आंखों में मोहब्बत नजर आती है। विकी और मधु दोनों एक साथ कहते हैं, कुछ कहना है। विकी कहता है, मैं समझ गया, तुम भी समझ गई हो तो जल्दी से बोल दो, टाइम पास मत करो। पहले तो मधु हंसने लगती है, जोर जोर से हंसते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं कहूंगी, तुम बोलो पहले। विकी कहता है, नहीं तुम बोलो, और फिर कहता है, चलो ठीक है, दोनों साथ में कहेंगे। और एक साथ दोनों एक दूसरे को आई लव यू कह देते हैं। विकी कहता है, मैं तुम्हें दूर जाते हुए नहीं देख सकता और ना जाने दूंगा। तो मधु भी कहती है, मैं भी तुमसे दूर जाना नहीं चाहती, ना यहाँ से जाना चाहती हूँ, मेरा बचपन तो यही गुजरा है, तुम सभी लोग, मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, इन सब को छोड़ के मैं नहीं जाना चाहती। और
तुम तो हमेशा मेरे साथ थे और आगे भी साथ ही रहोगे। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ये वादा रहा। दोनों प्यार से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं पर छुपे हुए उनके सारे दोस्त बेहद खुश होकर जोर जोर से तालियां बजाते हैं और दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। मधु और विकी प्यार के बंधन में बन जाते हैं और फिर शादी के बंधन में भी। तो दोस्तों, सही वक्त पर दिल की बात कहनी बहुत जरूरी है, ये तो आप भी समझ गए होंगे, वरना खुशियां हमसे बहुत दूर चली जाती है। और ये जो स्टोरी है, ये आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने लिखी है। और जो आप स्टोरी सुन रहे हो उसे हमने ही लिखा है। ये सारी लव स्टोरीज रियल है, ये हमारे आसपास होती रहती है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगे हमें बताना भूलिएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर भी कीजिए। स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर भी कीजिए। और यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।